जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट के रतनपीर इलाके में सेना को आईईडी बरामद हुआ है। पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों को मौत के घाट उतारने को लेकर सेना का महा ऑपरेशन जारी है। बीते 11 दिनों से लगातार पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि पुंछ के नरखास वन क्षेत्र में भारतीय सेना का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आज 12वें दिन भी जारी रहा। घने जंगल की आड़ में आतंकी छिपे हुए हैं, जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। जिले में पिछले 13 साल में ये अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। सुरक्षा बलों को अभी तक जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ के नर जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया है, जहां उन्होंने 14 अक्टूबर को एक जेसीओ सहित सेना के 4 जवानों को मार गिराया था। पुंछ के चरमेड़ और भट्टाधुलिया के जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना व अन्य सुरक्षा बलों ने पूरी ताक झोंक रखी है। पैरा कमांडो उतारने के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। जंगल बेहद घना होने के कारण ऑपरेशन में समय लग रहा है। बुधवार सुबह भी सेना व पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एक रणनीति तैयार की थी और उसके बाद जवान 5 किलोमीटर फैले जंगल में दाखिल हुए थे। पुंछ जिले के साथ सटे राजौरी जिले के खोड़ी गांव में भी 2 वर्ष पहले सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद लगभग 20 दिन तक ऑपरेशन चला था। और फिलहाल पुंछ में जारी ऑपरेशन आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। Thank you.